बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम सिमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर से है। डिफरेंशियल इक्वेशन के सिमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से है। इसमें हम अब रूल सेकंड देखेंगे फर्स्ट के बाद। फॉर सॉल्विंग द इक्वेशन डी एक्स अपान पी इज इक्वल टू डी वाई अपान क्यू डी जेड अपान आर, यहाँ पर पी क्यू आर जो है वो एक्स बाई जेड के फंक्शन हो सकते हैं। जब रूल फर्स्ट से प्रॉब्लम सॉल्व ना हो कम्प्लीटली तो हम रूल सेकंड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर रूल फर्स्ट भी अप्लाई होगा लेकिन साथ में हमें रूल सेकंड तब कह रहे हैं जब फर्स्ट भी अप्लाई हो और साथ में फर्स्ट का यूज़ करते हुए फिर हम उस आगे भी सॉल्व करें, क्योंकि प्रॉब्लम रहती है इस तरीके की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, क्या मल्टीप्लायर्स हों, तो उन सभी चीज़ों को एक एक करके हम लोग देखते हैं रूल में। तो अब इस सेकंड वाले रूल के लिए हम एक एग्जांपल लेके इस प्रॉब्लम को समझते हैं। पहले जैसे कि ये लिखा हुआ है डी एक्स अपान एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई अपान वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी जेड अपान जेड एक्स वाई माइनस टू एक्स स्क्वायर। जैसे कि सेकंड रूल में हमने बताया कि फर्स्ट रूल यानी एक इंटीग्रल आपको फर्स्ट रूल से मिल जाएगा लेकिन दूसरा इंटीग्रल जो है वो फर्स्ट रूल से नहीं मिलता है, लेकिन जो आपने फर्स्ट रूल से इंटीग्रल फाइंड किया उसका यूज़ अब सेकंड इंटीग्रल को फाइंड करने में हो जाता है, तो इसी को हम रूल सेकंड बोलते हैं। तो इसके लिए हम देखिए पहले इन दोनों फ्रैक्शन को फर्स्ट एंड सेकेंड को आपस में इक्वेट करेंगे। इस चीज़ को हम लिख दे रहे हैं टेकिंग फर्स्ट फर्स्ट एंड सेकेंड सेकेंड फ्रैक्शन, इन दोनों फ्रैक्शंस को आपस में इक्वल तो हैं, इन्हीं दोनों को लेके हम लोग बात करते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं रूल फर्स्ट में कि डी एक्स और डी वाई है तो यहाँ फैक्टर भी डी एक्स और वाई के ही होंगे, जेड के नहीं होंगे, या होंगे भी तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे लेकिन यहाँ पर तो है नहीं, और ये वाई स्क्वायर है तो आप एक पावर कैंसिल कर सकते हैं। डी एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपान वाई, तो यहाँ पर जेड था ही नहीं और अगर होता तो कैंसिल हो जाता, यानी रूल फर्स्ट में जैसा हम देखते हैं उस तरीके से भी हम इसको कर रहे हैं। अब डी एक्स के साथ एक्स के फैक्टर हैं, डी वाई के साथ वाई के फैक्टर हैं, इसको वन अपान एक्स और वन अपान वाई भी लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेट कर देंगे तो लिख देंगे ऑन इंटीग्रेशन, तो अब जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो वन अपान इंटीग्रेशन का जब साइन लगाएंगे तो वन अपान एक्स का इंटीग्रेशन जैसे हम लोग जानते हैं कि लॉग एक्स होता है, वन अपान वाई का इंटीग्रेशन लॉग वाई होता है, और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप यहाँ पर लॉग सी वन ऐड कर दीजिए, और जब दो बार लॉग हो तो आपको मालूम है लॉग की जो फार्मूला है एक बार लॉग लिखेंगे और अगर प्लस है तो उनके बीच में हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन का साइन लग जाएगा, और दोनों साइड लॉग है तो एंटी लॉग लेने पर लॉग दोनों साइड का हटा दिया जाता है तो एक्स की वैल्यू सी वन इंटू वाई आ जाएगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक रिलेशन इंटीग्रल जो मिला है वो एक रिलेशन भी प्रोवाइड कर रहा है, इसको हम इक्वेशन नंबर वन दे देंगे जो एक्स वाई में एक रिलेशन हमको प्रोवाइड कर रहा है। अगर हमें जैसी ज़रूरत होगी हम एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई पुट कर सकते हैं, वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स पुट कर सकते हैं। अब हमें देखना होगा इसमें ये हमारा सेकंड रूल क्या बोलता है, जिसमें इस जो फर्स्ट रूल से का यूज़ करते हुए इंटीग्रल हमें मिला है उसका हम यूज़ जब करके सॉल्व कर लेते हैं तो, और इसमें जो वेरिएबल आते हैं जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सेकेंड और थर्ड को देखिए, तो डी वाई है वाई है लेकिन डी जेड के साथ जब हम इसको देखते हैं तो ना सिर्फ यहाँ पर जेड और वाई का है बल्कि फैक्टर हैं बल्कि एक्स का भी फैक्टर या कह सकते हैं टर्म है, तो एक्स के हैं यहाँ पर अगर इन दोनों को ले रहे हैं डी वाई और डी जेड को तो फिर एक्स नहीं होना चाहिए था, अगर होता भी तो कैंसिल हो जाता तो फर्स्ट रूल से हम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कैंसिल नहीं हो रहा तो सेकंड यानी हम फर्स्ट रूल को यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे केस में हम जो फर्स्ट रूल से हमने इन दोनों को लेके सॉल्व किया था और जो रिलेशन आया उसका यूज़ करते हुए अगर हम सॉल्व कर सकेंगे तो यही हमारा सेकेंड रूल हो जाएगा, तो हम इसको लास्ट के दोनों को यहाँ पर फ्रैक्शन को लेते हैं तो इस चीज़ को हम लिख देते हैं आप टेकिंग सेकेंड एंड
थर्ड फ्रैक्शन। सेकेंड है थर्ड फ्रैक्शंस को हम यहाँ पर इसको लेते हैं, तो ये वैल्यू है डी वाई अपान वाई स्क्वायर और डी जेड अपान जेड इंटू एक्स इंटू वाई माइनस टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर जो रिलेशन आया यानी एक्स की जो वैल्यू आई उसकी जगह पर हम वाई की सी वन वाई पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर वन का यूज़ करते हुए, जो रूल हमने फर्स्ट से इंटीग्रल फाइंड किया था, ताकि यहाँ पर डी वाई है डी जेड है तो वाई और जेड के ही फैक्टर बचे और वो एक्स हट जाए, क्योंकि कैंसिल तो हो नहीं रहा और अब्सेंट भी नहीं है, प्रेजेंट है, तो इसे हटाने के लिए दूसरे में बदल दें इसको जो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो जेड इंटू एक्स की जगह पर हमने सी वन वाई लिख दिया है, वाई पहले से यहाँ पर मौजूद है, माइनस टू सी वन की वैल्यू, एक्स की वैल्यू सी वन वाई है उसका, लेकिन एक्स का स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, एक्स का स्क्वायर है और हमने यहाँ पर यूज़ किया है यूजिंग इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन का हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। तो डी जेड अपान में सी वन को शुरू में लिख दें, जेड इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस टू सी वन स्क्वायर हो जाएगा और वाई स्क्वायर हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई अपन वाई स्क्वायर चल रहा है। यहाँ से हम वाई स्क्वायर को कॉमन भी ले सकते हैं, तो डी जेड अपान में यहाँ पर हो जाएगा डी जेड, और चाहे तो हम सी वन भी कॉमन ले सकते हैं, सी वन वाई स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बच रहा है z माइनस का टू टाइम्स c1, और लेफ्ट हैंड साइड में है डी वाई अपान वाई स्क्वायर। जो प्रॉब्लम है इस तरह वाई स्क्वायर, क्यों डी जेड इस तरह है उधर z ही होना चाहिए, तो ये वेरिएबल को कैंसिल यहाँ पर किया जा सकता है, ट्रांसपोज करके कैंसिल कर दें ऊपर नीचे या फिर ऐसे ही कैंसिल कर दीजिए। जो अब बचेगा c1 को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट में ले आएंगे, जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा डी वाई के साथ में, तो इसे लिख सकते हैं सी वन डी वाई राइट हैंड साइड में डी जेड अपान यानी जेड का ही टर्म बचा, बाकी जो है वो तो कांस्टेंट है और ये वैल्यू है टू टाइम्स सी वन, और यहाँ पर भी देख रहे हैं सी वन मौजूद है। अब यहाँ पर इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, तो लिख दें यहाँ पर ऑन इंटीग्रेशन, तो हम यहाँ पर इंटीग्रेट इसको कर रहे हैं। जब इंटीग्रेट करेंगे तो c1 तो कांस्टेंट है, आप इसे बाहर ले लीजिए, यहाँ पर 1 का इंटू मान सकते हैं, तो 1 का y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन जो होगा वो डी वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन y हो जाएगा। राइट हैंड साइड में 1 अपान z का जैसे इंटीग्रेशन होता है log z, यानी z जो भी इसके साथ में माइनस हो रहा है आप लिख दीजिए, बस ध्यान रहे कि z के बराबर 1 होना चाहिए तभी ये फार्मूला अप्लाई होगा, और अगर कोई कोएफिशिएंट होता है इसका जैसे 3 होता तो आप पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करते, नहीं लिखा तो 1 है 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा, यानी कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट कुछ भी ऐड कर दीजिए, यहाँ पर सी टू ऐड कर दे रहे हैं और इस टर्म फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं, जो वेरिएबल वाले हैं सी वन वाई माइनस का लॉग ऑफ जेड माइनस टू सी वन, और राइट हैंड साइड में यहाँ पर बचा हुआ है सी टू, और इक्वेशन नंबर वन का अगर हम दोबारा से यूज़ करें, यहाँ हम सी वन की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर वन से, तो सी वन की वैल्यू है एक्स अपान में आ जाएगा वाई, यानी सी वन की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो एक्स अपान वाई, तो इक्वेशन नंबर वन का यानी दोबारा से यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर सी वन की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये वैल्यू एक्स अपान वाई है इंटू वाई माइनस जहाँ पर भी आपको नज़र आए इस जो सेकंड इंटीग्रल हम लोगों ने फाइंड किया है उसमें सी वन नज़र आए वहाँ पर आपको एक्स अपान वाई पुट करना है, इस वाई से वाई ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो हमें एक दूसरा इंटीग्रल मिल गया है, जो हमने इक्वेशन नंबर वन जो कि रूल फर्स्ट की हेल्प से मिला है वो हमने यहाँ पर दूसरा इंटीग्रल भी फाइंड कर लिया है। इस पूरे को हम कहते हैं जो हमने सॉल्व जिस मेथड से किया है, तो जिस रूल से किया है वो रूल हमारा सेकंड है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं हैंस दी रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज़, दोनों सॉल्यूशन को आप साथ साथ लिख दिए, x इजिकल टू सी वन वाई था और दूसरा रिलेशन ये था x माइनस लॉग ऑफ z माइनस टू एक्स अपन वाई इजिकल टू सी टू, ये हमारा कंप्लीट आंसर है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, वाखरुद्दावा अलहमदिल्लाहि रब्बिल आलमीन।